नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मु स्वप्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे असंता 20 रे विधानसभा शीत अधिवेशन आज सर्वदलीय बैठक डाकिले बाचस्पति शीत अधिवेशन परिचालन ने सबु दलर प्रतिनिधि सह आलोचना बरगढ़ जिला वेडेन ब्लॉक बुर्दारे हत्याकांड घटना चारि मास बीतिथिले भी एक्शन नेउनी पुलिस गत कालीठू वेडेना थाना घेराव करी धारणा रे ग्रामवासी तदंत करी कार्यानुष्ठान पाई दाबी केबे दलाल मुक्त हेबो राज्य जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पाई देबाकु पडुछि टंका बुल्ला एनएसरु आसला दलाल राज्यर आउ एक अभियोग 200 रु हजारे जाय नेउछंती टंका दलाल को सह सामिल सरकारी अफिसर विश्व शांति पाई एकाठी हेले विश्व शक्ति ब्रिक्स सम्मेलन रे गोटिए मंच रे मोदी जिनपिंग पुटिन आतंकी को समर्थन करथुवा देश को कहिले दोषी एवं खसुची पारद बढ़ुची शीत दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा रे वृद्धि कोरापुट सबुठ थंडा सहर आसंता 22 रु राज्य रे थंडा बढ़िबा नै पाणीपाक केन्द्र रो पूर्वानुमान एथर संपूर्ण खबर विधानसभा शीत अधिवेशन पूर्वरु आज बसिबो सर्वदलीय बैठक डाकिछन्ति बाचस्पति सूर्य नारायण पात्र बैठक रे शीत अधिवेशन परिचालन नै आलोचना हेबो विधानसभा परिसर रे सबु दलर प्रतिनिधि सह आलोचना करिबे बाचस्पति शीत अधिवेशन रे तारका प्रश्न उपरे आलोचना नै मत नियाजिबो आसंता 20 रु विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हेबो बरगढ़ जिला वेडेन ब्लॉक बुर्दारे हत्याकांड घटना कौनसी पदक्षेप नेउनथबा अभियोग होईछि पुलिस जहाकु नै गत कालीठू वेडेना थाना घेराव करिछन्ति ग्रामवासी एबे भी जिद्रे अटल रही धारणा जारी रखिछन्ति गाँव लोके गत काली एहाकु नै पुलिस और अभियोगकारी मध्यरे जुक्तितर्क होइतिला यापरे पुलिस लाठी चार्ज करिबारु मीडिया कर्मचारी सह अनेक जनसाधारण आहत होइतिले तबे गत जून 18 तारीख रे गाँवर लिंगराज नायकंक पुओ गिरिधारी नायकंक गला कटा अवस्था मृतदेह पुलिस उद्धार करिथिला एहारी भितरे चारि मास बीतिथिले सुधा पुलिस कोनोसी ठोस पदक्षेप नेउनथबारु ग्रामवासी वेडना थाना घेराउछन्ती जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पाई देबा को पड़ुछि टंका बुर्ला एनएसरु आसिला सांघातिक अभियोग सर्टिफिकेट पाइबा को हेले केतेबेले 200 त केतेबेले 500 टंका आउ जदि शीघ्र सर्टिफिकेट दरकार ताहले हजारे टंका नेउछन्ति दलाल आउ एथिरे दलाल को सह किछि दुर्नीतिखोर सरकारी कर्मचारी भी सामिल थिबा अभियोग होईछि संबलपुर बुर्लारु देखिबा हे रिपोर्ट ମୁଁ କହିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗବନି ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେବି ଦିଏ ବୋଲି ଯେଟା ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ ଦଲାଲ ରାଜ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ 200 ରୁ 500 ଯାଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜ କେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ତ କେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଆଉ ଏବେ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦଲାଲ ରାଜ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ଗରିବ ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଦଲାଲି କାମ ଯେଉଁଥିରେ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାର ଲୋକ ବି ସାମିଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଟଙ୍କା କେତେବେଳେ 200 ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କା ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଏପରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଦରକାର 1000 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆମର ଭାଇର ବ୍ୟାଗ୍ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବା ଲାଗି ଆସିଥିଲି ହଁ ମାନେ ମୋତେ ଜଣେ ଏନ ଗାଁରେ ବାଡ଼ିଲେ କହିଲା ସବୁ କରିଦେମି ଆଉ ତୁମେ ଅଡେଶ ନେମି କହିଲା ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆସୁଛୁ ସେ କହିଲା ନିଜେ ଜେରକ୍ସ କରିବ ବୋଲେ ଆମେ ମନା କଲୁ ଆମେ ନିଜେ ଯାଉଛୁ ଜେରକ୍ସ କରିବୁ ସାର ଆମେ ଜେରକ୍ସ କଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ତୁମର ଭାଇମାନେ ନିଜେ କରିଦେଉଛ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଥାଏ
ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବାରେ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଲାଲଙ୍କ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ। ଏନ୍ତା ଦଲାଲ ମାନେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ବସି ଦଉଛନ୍, 500 ଟଙ୍କା ଦଉନ୍, ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେମୁ, ହେରାସମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଲାଗେ, 400 ଟଙ୍କା ଦଉନ୍, 300 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ବୋଲେ ବି କିଏ ଶୁଣବାର ନାଇଁ। ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆସିକି ବସି ଦଉଛନ୍, ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ। ଯେନ୍ ଲୋକ ହେଉଛି ସେ ବିଜ୍ରା ନିଜେ କରୁ, ତାର ପରେ ଜେରସ୍ କରୁ, ସେ ନିଜେ ତାର 50-60 କାମ ଅଛି, କାଁ କରୁ 400 ଟଙ୍କା ଇନୁ କିଏ କାହିଁ କହିଯିବା କି ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବୁ, 500 ଦିଅ, 400 ଦିଅ, କାହିଁ କରିବୁ? ଆମର କି କହିବାର କି ଇନୁ ଦଲାଲି ବନ୍ଦ। ଯେହେତୁ ବୁର୍ଲାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି ଭାବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ରଖିପାରୁଛୁ ରଖୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁଣି ଯେ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଦଲାଲଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଇଡ଼ିଟା ଧରିକି ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପିଲା ରଖୁଛୁ, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଇଏ ନ ହେଉ ତାହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଅଫିସରେ ଜଣେଇ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ତେବେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ କିଭଳି ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଲାଲଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯାଏ ନେଉଛନ୍ତି କମିଶନ। କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରୁ ଦଲାଲ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସରକାର? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ 22 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା କମିଯିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସୋନପୁରଠାରେ 15.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 15.0 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୂର୍ବ ତଥା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ କଣିହାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ଅଦିନିଆ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ନଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁହୁଡ଼ି ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବା ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁହୁଡ଼ି ଆଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘୁମୁସୁର ମିଳିତ କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 9 ମାସ ହେଲା ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ମଞ୍ଚ ବାଦ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ବେରୋଜଗାର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ଆଜି ଯାଏଁ ଘରେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପେଟର ଜ୍ୱାଳ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏହାକୁ ନେଇ କଳାକାରମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଆମ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଧାୟକ ପୋଲସରା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୋଲସରା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଅଧିକାରିଣୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ମାନେ ତାହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ବିଧାୟକ ବୁଝାଇଥିଲେ। ବାଲି ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ସଂଘ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ନଦୀରୁ
ट्राक्टर जोगे बाली आणुवा समय नवरंगपुर अतिरिक्त तहसिलदार ट्राक्टर को अटकई 10,000 टंकार फाइन पकाइले जहाँ नवरंगपुर तहसिल प्रशासन और ट्राक्टर मालिक संघ मुहांमुही होती। प्रधानमंत्री आवास योजन हिताधिकारी गृह निर्माण पर बाली ने अतिरिक्त तहसिलदार फाइन पकड़ अभोग कर विरोध कर ट्राक्टर मालिक संघ तरफ समस्त ट्राक्टर को तहसिल कार्यालय सम्मुखें रखी प्रतवाद करने सहित मालिक संघ तरफ धारणा दि जाता। अन्य पक्षरे तहसील प्रशासन पक्षरु फाइन आदाय करा जिबा ओ फाइन प्रत्याहार न करबा जिद्रे अटल रहिचंती। विश्व शांति प्रसंगरे एकाठी हेले विश्व शक्ति गोटिए मंचरे मोदी जिंगपिंग पुतिन सम्मेलन में सामिल होई प्रधानमंत्री विश्व शासन रो विश्वसनीयता ओ कार्यकारिता उपरे प्रश्न उठाइचंती। तेब एथसहित आतंकवाद वाणिज्य और स्वास्थ्य प्रसंग में एकजुट होगा आह्वान देते प्रधानमंत्री मोदी। विश्व शांति प्रसंग में एकाठी हेले विश्व शक्ति गोटे मंच में मोदी जिनपिंग पुतिन रूस नेतृत्व में आयोजित हो जाएगी द्वादश ब्रिक्स सम्मेलन। वर्चुअल सम्मेलन में जोगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना कर प्रधानमंत्री मोदी तांको संबोधन में कहते जे विश्व शासन विश्वसनीयता एवं कार्यकारिता उपरे प्रश्न उठी यार मुख्य कारण हेउछि समय सहित सेमाने सठिक परिवर्तन करिनाहंती। 75 वर्ष पुराणा विश्व मानसिकता एवं वास्तवता उपरे आधारित जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे परिवर्तन अत्यंत अनिवार्य बोली भारत विश्वास करे। एही प्रसंग रे आमे ब्रिक्स सहयोगींक सहयोग आशा करूछु। Your Excellency Rashtrapati Ramaphosa, Your Excellency Rashtrapati Bolsonaro, सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल संचालन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देता हूं। आपके गाइडेंस और इनिशिएटिव की वजह से वैश्विक महामारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गति को बरकरार रख पाया है। एक्सलेंसीज, इस साल के समिट का थीम ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही किंतु दूरदर्शी भी है। विश्व में महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक बदलाव आ रहे हैं जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी। अनेपटे लद्दाख सीमारे उत्तेजना भितरे द्वितीय थर पर विश्व मंच में भर्चुआल मोड में सामनासामनी होती मोदी एवं जिनपिंग। प्रधानमंत्री मोदी कहते जे जातिसंघ व्यतीत अन्य अनेक अंतर्जातीय अनुष्ठान सांप्रतिक वास्तवता अधीन काम करूना। डब्ल्यूटीओ आईएमएफ डब्ल्यूएचओ पर संस्थागुड़िक उन्नति करवा उचित। यूएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टीलेटरलिज्म का दृढ़ समर्थक रहा है। भारतीय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है, अतः हमारे लिए यूएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था। यूएन के मूल्यों के प्रति हमारा कमिटमेंट अडिग रहा है। पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं, किंतु आज मल्टीलेटरल सिस्टम एक संकट के दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है।
इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। आतंकवाद संपर्क में प्रधानमंत्री मोदी कहते आतंकवाद आज विश्वर सबुठ बड़ समस्या। आतंकवादी को समर्थन करुवा तथा साय करुवागुड़ी को एकघरिका करने उचित द्वारा एक समस्या समाधान हो पार। एक्सलेंसीज, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। ब्राजील, रूसिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यही पांचटी देश को नहीं ब्रिक राष्ट्र समूह वार्षिक सम्मेलन में एथर विषय वस्तु रही विश्व स्थिरता, प्रतिरक्षा सहभागिता एवं विकास। अन्यपटे आगामी 2021 त्रयोदश ब्रिक्स सम्मेलन को आयोजन कर भारत, तेरे यह पूर्व चलित मस G20 सम्मेलन में एकाठी जोगद पारती मोदी और जिनपिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। डिलर को मनमुखी शासन को प्रतिवाद करी जोगाण विभाग कार्यालय आगे होहल्ला करले महिला। एभली घटना सामना को आछि बासुदेवपुर ब्लॉक नायकानीडीही पंचायत रु पंचायत बलरामपुर गाँव में राशन सामग्री बंटन करने को स्थानीय डिलर सुषमा पात्र को दायित्व दि जाएगी। हेले संपृक्त डिलर मनमुखी कार्य करुवा हिताधिकारी अभियोग करपृक्त डिलर हिताधिकारी दुर्व्यवहार करुवा अभियोग कर हिताधिकारी बासुदेवपुर जोगाण विभाग अधिकारी निकट में पहुंची तुरंत अन्य डिलर निकट को स्थानातर करने को दावी कर। सुषमा पात्र आम डिलर थिला, वर्तमान से फेरार अच्छे जेल अच्छे फेरार अच्छे जेल जाए फेरार अच्छे वर्तमान आम कमी खाइमु आम कमी चाउल पाइमु आम तीन मस चाउल पाइन सुषमा पात्र ना सुषमा पात्र डिलर आईने दिज्व एम आई कौन सुषमा पात्र आसने दिज्व आम चाहूँ सुषमा पात्र न आसु आम टेकअप दि जाऊ से कौन सुषमा पात्र जब आज आस पहुंचे का तुम चिठी बंद हो सुषमा पात्र पाखु नापी चाहूँ बर्तमान चाहूँ आम अलग डिलर दिखा से हानि देके लुकु पळे जाउ छी आमे कते दिन एमे उपास रहिमु ताकर होजी डीलर सुषमा पात्र रो महावीर एस एस नाम आपा मु ता कहलु जे राशन कार्ड होल्डर से जणे आसीबो मनकर मोर राशन कार्ड ना आछी मु आसी वान गोटे राशन कार्ड पई जणे लोक आसीबो जे तणो चारटा राशन कार्ड पई गोटे लोक आसत मु मना खाली करि पारिबि नै एटा होजी कत केमे सर माने सुषमा पात्र आपु नउतिले एबे आछंती जेते सुषमा पात्र तार कोन पुलिस केस आइति ते आसी बाटी पारु नै एबे सब आसी छी से फेर आम आउ गोटे पाख डिलर को ट्याग करुच्छे से चाउल बांटुच्छे एवं महावीर एस एच ट्याग करुच्छे चाउल बांटुच्छे चाउल बांटार किसी असुविधा है। तबे मयूरभंज जिला करंजिया उपजिलापाल कार्यालय वरिष्ठ किराणी विशेश्वर गिरी को गिरफ्त कला कईचुआ पुलिस। तबे
ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 5,54,000 ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରରୁଆ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी पाई बड़ खबर। डिसेंबर तृतीय सप्ताह खोलीपे बड़देऊ द्वार श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक पर एने आशा बढ़ी। मंदिर खोलिबा फर्मूला बाहर कर स्वतंत्र कमिटी। सेपटे नागार्जुन बेसपाई आसंता शनिवार चूड़ांत निष्पत्ति। ऑनलाइन डोनेशन दिज्व गुरुत्व। डिसेंबर तृतीय सप्ताह बड़देऊ श्रद्धा 9 मास परे जगा को देख आखि। परिचालना कमिटी बैठक पर बढ़ला आशा। जगा द्वारे जगी भक्त केबे खोलिबो बड़देऊ आ दर्शन करिबे बड़ ठाकुर को। परिचालना कमिटी बैठक पर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों बयान देखाई आशा। दर्शन पाई प्रस्तुति और रूपरेख पाई कमिटी गठन। समस्त प्रस्तुति पाई लागिबो प्राय 1 मासर समय। डिसेंबर तृतीय सप्ताह सुधा खोली पारे श्रीमंदिर। काहाकु केमिति दर्शन पाई अनुमति दियाजिबो से निष्पत्ति नेबो कमिटी। एहि कमिटी रे रहिछंती मुख्य प्रशासक जिलापाल ओ एसपी। आजिरु 1 मास परे धरंतु थर्ड वीक ऑनवर्ड्स आमे पूरा संपूर्ण भाव रे रूल्स रेगुलेशन क्या छड़ा हम कौन करा हम केते कौन करा जीवो से हिसाब रे रेडी हो पारिबा। तापाई आमे तीनटा कंसल्टेशन तीनटा आमे अबे करिबु तीनटा लोकों सांगे मतामत नेबु। प्रथमे हेला गोटे कमिटी गठन करा हेची जहाँ कि जोटि कि मु रही एसपी कलेक्टर और अन्य अन्य प्रशासनिक अधिकारी रहिबे। सेबडे चैत वर्ष श्रीमंदिर 154 कोटी टंकार बजेट को अनुमोदन मिलिछि। कोरोना कारण खर्च बढ़ी कमे आय से ऑनलाइन रे डोनेशन व्यवस्था को गुरुत्व दिया जाउछि। खास करी नुआ वर्षरु श्रीमंदिर ऑनलाइन रे डोनेशन व्यवस्था को अधिक गुरुत्व दिया। आसंता शनिवार नागार्जुन बेस हेब कि नहीं तापर नियाजिब चूड़ांत निष्पत्ति। सेपरी 8 द्वार रूपा छाउणीर डिजाइन 19 चूड़ांत हेब। सेवायतंकु मध्य पंचम किस्ती रे सहायता राशि दिया। प्रथमे चैलेंज रहिला आमरो इनकम बहुत कमी जाइछि और द्वितीय आमरो एक्सपेंडिचर बढ़ी जाइछि। काहेकि कि आमरो एक्सपेंडिचर नॉर्मल एक्सपेंडिचर सब चालू रहिछि तो से पाई आमे एबे निष्पत्ति हेइछि 3-4 जिन्स इनकम बढ़ेबा पाई भी आमे गोटे ऑनलाइन डोनेशन जगन्नाथ मंदिर प्रशासन तरफ गोटे आरंभ करा जीवो। द्वितीय बाकी आमर आज डिस्कशन हिसाब से नागभूषण आमर नागार्जुन भेष अच्छी पंचुक्रे जहाँ तापाई भी आज डिस्कशन होती शनिवार को सब मीटिंग बस बजेट थिला आज मुख्य प्रसंग तो केमी भक्त मान पिलग्रिम मानों पर कौन कौन सुविधा करहब सेवायत फैमिली प्लस समस्त पूरी लोकल लोक यही सब विषय में मुख्यतः आलोचना है। प्री बजेट ए बर्ष तो कोरोना पर कि गजपति महाराज को अध्यक्षतारे परिचालना कमिटी बैठक रे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठी। तबे सारा ओडिशावासी नजर केबे खोलिब श्रीमंदिर। पुरीरु वीडियो जर्नालीस्ट सनातन आलोका सुदोष का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। वर्तमान अर्गस अपडेट रे समय सरिछि। अधिक खबर पाई आम वेबसाइट विजिट करें अर्गस न्यूज। नमस्कार। We'll be right back.